नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए प्री नेटल प्राणायाम अभ्यास लेकर आई हूं। तो ये प्राणायाम अभ्यास आप पूरे प्रेगनेंसी के दौरान प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभ्यास शुरू करने के पहले मैं सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और इस चैनल से मुझसे जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितने वीक्स प्रेग्नेंट हैं, कैसे आपकी प्रेगनेंसी जा रही है। आई वुड लव टू कनेक्ट विथ यू ऑल। लेट्स मेक योग रीति अ ब्यूटिफुल कम्युनिटी फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। हम सब यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और एक ब्यूटीफुल कम्युनिटी वाइब ला सकते हैं, जिससे कि सारी प्रेग्नेंट महिलाएं एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ अच्छा सीख सकें और एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट कर सकें। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आप कंफर्टेबल होके अपने मैट पे बैठ जाएं। अगर आप मैट पे ना बैठना चाहते हो तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। पीठ को सीधा रखने की कोशिश करनी है। आप किसी भी कंफर्टेबल पोजिशन में आ जाएं और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, पीठ को थोड़ा सीधा रखें। अगर आप मैट पे हैं और आपको लगता है कि आपके लिए कंफर्टेबली ज़मीन पे बैठना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है या थोड़ा आपका पीठ झुकने लगता है, तो आप एक कुशन के ऊपर बैठ सकते हैं, जिससे आपका हिप थोड़ा एलिवेटेड हो जाएगा और आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मैं बार बार याद दिलाना चाहूँगी, प्रॉप्स को यूज़ करने के पहले बिल्कुल भी ना शर्माएं। तो किसी भी कंफर्टेबल पोजिशन पर आ जाएं और रिलैक्स हो जाएं। आज हम बस तीन तरह के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का अभ्यास करेंगे और तीनों ही प्रेगनेंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कंफर्टेबल पोस्चर में आते हुए धीरे धीरे अपने आँखों को बंद कर लें, चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स होने दें, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, माइंड बिल्कुल रिलैक्स। थोड़ी देर हम बेली ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। एक लंबी सांस अंदर लें और फिर बाहर छोड़ें। नाक से सांस अंदर लें और फिर नाक से बाहर छोड़ें। हर बार सांस अंदर लेते हुए फील करें कैसे आपका बेली बाहर की ओर आ रहा है, और सांस छोड़ते हुए आपका बेली बिल्कुल कंट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये डीप बेली ब्रीदिंग प्रेगनेंसी के लिए बहुत लाभदायक है, तो बिल्कुल जेंटली इनका अभ्यास करते रहें। ध्यान रहे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है, बस नेचुरली डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। और अब धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। इस बेली ब्रीदिंग से अपने मन को बिल्कुल हम रिलैक्स कर चुके हैं। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। आप अपने बाएं हाथ को बिल्कुल इसी तरह बनाए रखिए अपने जांग पे। दाएं हाथ को आप नासिक मुद्रा में ला सकते हैं। तो आप पहली दो अंगुली को मोड़ते हुए अपने हथेली पे रख लें, बाकी दो अंगुलियां और अंगूठा बिल्कुल रिलीज्ड। इस तरह से हम अंगूठे से अपने नाक को दाईं ओर से कंट्रोल करेंगे, बाकी दो अंगुली से बाईं ओर। अगर आपको कंफर्टेबल ना लगता हो तो सारी अंगुलियों को रिलीज रखें। पहली दो अंगुली को अपने भावों के बीच में इस तरह से टिका लें, इससे थोड़ा बेहतर लगेगा, आपके हाथ भी थोड़ा रिलैक्स फील करेगा। तो आप इस तरह से अपने भावों के बीच में दो अंगुली को रख लें, अंगूठे से फिर नाक को दाईं ओर से कंट्रोल करेंगे और बाकी दो अंगुली से बाईं ओर से। अनुलोम विलोम में हम एक सांस अंदर बाईं ओर से लेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, दाएं से लेते हुए बाएं से छोड़ेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेता है, सिर्फ छाती से नहीं, पूरे अपने पेट को, छाती को, सबको, पूरे लंग्स को इन्वॉल्व करके रखना है।
चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। ध्यान रहे सांसों को रोकना नहीं है, बस सांस अंदर लेना है, दूसरी ओर से छोड़ना है, फिर दूसरी ओर से लेते हुए पहली ओर से छोड़ देना है। शुरू करते हैं। पीठ सीधी, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी बिल्कुल काम। धीरे से आप अपने दाएं हाथ को उठा लें, या तो नासिक मुद्रा में, कंफर्टेबल ना लगे तो पूरी अंगुलियों को रिलीज रखें और दो अंगुली को भाव के ऊपर। अपने गति से आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके हम बस कुछ देर और इसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम में बने रहे। Thank you.
और अब धीरे से अनुलोम विलोम से बाहर आ जाएं। आंखों को बंद ही रखें, दाएं हाथ को भी जांघ पे रिलैक्स करते हुए फिर से जेंटल बेली ब्रेथ। और अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। ये जेंटल बेली ब्रीदिंग आपको प्रेगनेंसी में कैसे हेल्प करता है? पहली बात, ये आपके बॉडी को माइंड को ऑटोमेटिकली रिलैक्स कर देता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप बेली ब्रेथ इन एंड आउट ले रहे हैं, पूरा फोकस सिर्फ अपने सांसों पे रख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मन भी शांत हो जाता है, एक पॉजिटिव वाइब सी आती है। दूसरी बात ये कि बेली ब्रीदिंग नौशिया में बहुत हेल्प करता है। तो जिन महिलाओं को कई उल्टियों की शिकायत होती है या फिर उन्हें ऐसा मन सा मचल रहा होता है, उनके लिए डीप बेली ब्रीदिंग बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। तो वो पूरे दिन में कभी भी बेली ब्रीदिंग का अभ्यास कर सकती हैं। जब भी उन्हें उल्टी की टेंडेंसी भी आ रही हो तो वो बिल्कुल कामली कहीं बैठ के थोड़ी देर बेली ब्रीदिंग का अभ्यास करें और देखिएगा आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगा। अब हम अगले प्राणायाम में चलते हैं, जिसे कैंडल ब्लो ब्रीदिंग भी कहते हैं। इसका नाम ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि सांस हम बिल्कुल नेचुरली अपने नाक से अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने होठों को इस आकार में लाएंगे जैसे कि हमारे सामने एक कैंडल यानी कोई बत्ती जल रही हो और हम उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हों। तो आप बिल्कुल नेचुरली सांस लेंगे और फिर उसे मुँह से बाहर छोड़ेंगे होठों को हल्का दबाते हुए इस तरह से। आप देख सकते हैं, ऐसा इमेजिन करें जैसे सामने एक बत्ती और आप उसे फूंक रहे हों। बस नेचुरली सांस अंदर लेना है, होठों से बाहर छोड़ना है। इस कैंडल ब्लो ब्रेथ का अभ्यास आपको रेगुलरली करना है। ये डिलीवरी के समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जब आप इस तरह से ब्रीद इन करते हैं और बिल्कुल रिलैक्स तरीके से सांस को बाहर की ओर फूंक की तरह निकालते हैं, तो उससे आपका मन शांत होता है और प्रेगनेंसी में जब कई कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे होते हैं, जब थोड़ी बॉडी एंग्जाइटी में जाने लगती है, तो इस तरह का ब्रेथ ना ही सिर्फ आपकी बॉडी को बल्कि आपके माइंड को भी बहुत काम करता है। तो अब हम जेंटल कैंडल ब्लो ब्रेथ का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल रिलैक्स होकर रख लें, पीठ बिल्कुल सीधा। चाहे तो आप आँखों को हल्का बंद कर सकते हैं, बिल्कुल डिम कर सकते हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर लें। सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए कैंडल ब्लो, कंटिन्यू। रिलैक्स, बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। एक और राउंड हम इसका अभ्यास करेंगे।
इस बार अपने मन में अगर किसी तरह का भी डर हो, भय हो, तो उसे बाहर निकालने की कोशिश करें। एक अफर्मेशन को अपने मन में लाएं, एक सोच को अपने मन में लाएं कि आप और आपका बेबी बिल्कुल सुरक्षित है। इवन डिलीवरी के समय आप और आपकी बेबी बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रहेंगे और आपकी डिलीवरी बिल्कुल स्मूथ जाने वाली है। इमेजिन करें कि आप इस ब्रेथ को इन एंड आउट ले रहे हैं और अपने मन को बिल्कुल शांत रख रहे हैं उस सिचुएशन में। इस बात को विजुलाइज करते हुए एक पॉजिटिव वाइब के साथ बस कुछ देर और अभ्यास करेंगे। शुरू करते हैं। एक आखिरी बार धीरे से आप अपनी आंखों को फिर से खोलें एक प्यार से स्माइल के साथ। तो अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है और साथ ही साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट भी क्रिएट करना है। तो जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो उसको बिल्कुल मेडिटेटिव तरीके से लेना है, मन को बिल्कुल शांत रखना है और बार बार खुद को ये रिमाइंड करना है कि यू आर ब्लेस्ड विद दिस बेबी और आपके पास पूरी शक्ति है कि आप इस बेबी को बिल्कुल सुरक्षित इस दुनिया में लाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल खुश और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें इस प्रेगनेंसी को इंजॉय करना है। आखिरी प्राणायाम भ्रामरी, बस 3 बार हम मकारा का उच्चारण करेंगे। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने जांघों पे बनाए रखें, वरना फिर आप अपने चारों अंगुलियों से अपने आँखों को इस तरह से बंद कर लें और अंगूठे से अपने कान को, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसका इस्तेमाल करें। तो हाथ को जांघों पे रखें या फिर उससे अपने आँखों को बंद करें। 3 बार हम सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए मकारा का उच्चारण करेंगे, मन को शांत रखेंगे। शुरू करते हैं। एक लंबी सांस अंदर भरें, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, बॉडी को ऑब्जर्व करें, वाइब्रेशन को महसूस करें। दूसरे राउंड के लिए खुद को तैयार करें। एक लंबी सांस अंदर, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए फिर से वाइब्रेशन को एब्सॉर्ब होने दें, माइंड बिल्कुल रिलैक्स। एक आखिरी बार सांस अंदर, फिर धीरे से अपने हाथ को रिलीज करें, रिलैक्स। Feel the vibration, feel the energy in your body, और धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने छाती के पास ले आएं। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने बेली बम पे, अपने पेट पे भी रख सकते हैं और अपने मन में एक बार फिर से अफर्मेशन लाएं, आपका बेबी आपके घर में बिल्कुल सुरक्षित है। खुद को बार बार रिमाइंड करें
मेरा बेबी मेरे बेली में बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा बेबी मेरे बेली में बिल्कुल खुश है। यू एंड योर बेबी आर ए टीम। आप लोग दोनों साथ में बहुत खुश हैं और आपकी डिलीवरी, आपका बेबी बिल्कुल हैप्पीली, बिल्कुल खुशी के साथ इस दुनिया में आने वाला है। विजुअलाइज योर हैप्पी बेबी इन योर वूम और इस प्यारे से थॉट के साथ धीरे धीरे अपने आंखों को खोलें। थैंक यू। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे आप कई तरह की प्रेगनेंसी वीडियो को पा सकते हैं। सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एक एक प्राणायामा को भी मैंने समझाया है, साथ ही साथ कई तरह के आसन अभ्यास को मैंने समझाया है। द गाइडलाइंस फॉर प्रेगनेंसी योगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर फॉरवर्ड करें। मैं आशा करती हूँ आप मुझसे कल भी अभ्यास के लिए ज़रूर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने बेबी का ध्यान रखें और बिल्कुल खुश रहें, हेल्दी रहें। धन्यवाद।